का नाम, सबसे इजी चैप्टर का नाम क्या था? कॉस्ट शीट। पहले हम एक बार इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे किस पे, उसके बाद फिर हम आएंगे मेन पॉइंट पे। नॉर्मली होता क्या है कॉस्ट शीट में, कितने हेडिंग है वो देखते हैं हम। यहां पे पहले कुछ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते हैं तो एक हेडिंग जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इसको प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना। प्राइम कॉस्ट कह लो या इसी को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट पहला हेडिंग। सर क्या माइनस और क्या प्लस करते हैं? बच्चे इसमें हम माइनस प्लस जो करते हैं वो माइनस प्लस हम करते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक कैरिज इनवर्ट, लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक प्लस और माइनस और परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा नहीं होगा वो लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन कुछ चीजें माइनस होगी, कुछ चीजें प्लस होगी, मतलब आपको करने के बाद एक न्यू हेडिंग जनरेट होता है हमारा जिसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं ये भी पूछ लेता हूं क्या चीजें माइनस और क्या चीजें प्लस होता है, मैं लिख भी देता हूं। तो यहां पे सारे फैक्ट्री के खर्चे माइनस प्लस हो जाते हैं, फैक्ट्री के खर्चे माइनस प्लस होते हैं। वॉइस क्लियर है ना हर किसी बच्चे को? रूपा पूछ रही है कि माइक तो ऑन हो गया, ऑफ कैसे होगा? मैं कर देता हूं यहां से ऑफ। चलो कोई नहीं, या ठीक है। तो इसका मतलब वेरी सिंपल है कि यहां पे हम ना कुछ जो है प्लस क्या करने वाले हैं, जो प्लस करते हैं यहां उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस को? ओवरहेड। सर एक दो एग्जांपल भी बताते जाओ तो हमारा रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है हमारा? हमारा लाइक होता है गोडाउन का रेंट, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का, अनप्रोडक्टिव वेजेस, पावर, ये सारे हमारे कहाँ आ जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट में माना जाता है। बाकी मैंने नोट सेक्शन में, आप एप्लीकेशन पे, जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं वो देख सकते हैं कि वहां पे नोट्स के सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है कुछ बच्चे का। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे, इसमें फिर से हम कुछ चीजें प्लस माइनस करेंगे, यानी प्लस ही करते हैं जनरली। तो जो अगला हेडिंग जनरेट होता है, प्लस माइनस होगा, और अगला हेडिंग जो जनरेट होगा उसे बोलते हैं नेट फैक्ट्री। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं विजुअल नहीं है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर इसमें क्या चीजें प्लस माइनस होगा? आपको बताया था इसमें जो प्लस माइनस होगा इन दोनों का फासला जो है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आई पी की वजह से है। डब्ल्यू आई पी, और इसको एक बड़े ही और अच्छे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, फिर से इसके अंदर हमें कुछ माइनस प्लस करना है। प्लस माइनस करते करते हमारे पास एक और हेडिंग जनरेट हो जाएगा जिसका नाम देते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यानी यहां पे कुछ खर्चे लेंगे हम, लाइक आपका एडमिन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है? सारे के सारे ऑफिस के खर्चे,
ऑफिस के खर्चे कौन कौन से वाले, जैसे रेंट हो गया ऑफिस का, टेलीफोन का चार्ज हो गया, स्टेशनरी का हो गया, बैंक के चार्जेस हो गए, वो सारा यहाँ आएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने मार्क जितने भी प्रोडक्ट डाला उसके अंदर कितने क्वांट यूनिट निकला और कितने रुपए का पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना सारा सामान उठा लेता हूं, अब मैं ये देखिए मेरे पास इतने सारे मार्कर हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मशीनरी में, एक मशीनरी है, ये मान लेते हैं एक मशीनरी है आपके सामने, मशीनरी है, इस मशीनरी के अंदर मैंने ढेर सारा, इस मशीनरी में ढेर सारा मैंने प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक डाला, और मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, पता नहीं कैसे होती है, मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। प्लास्टिक बहुत सारा डाला, किसने डाला, एक वर्कर ने। तो प्लास्टिक डालने के बाद यहां से टोटल जो मार्कर बन के निकले वो 1000 मार्कर बन के निकले, ये 100 मान लेते हैं मार्कर बनने। एक बार प्लास्टिक इसने उठाया और प्लास्टिक उठा के इसमें डाला और कितने मार्कर बन के निकले, 100 यूनिट, 100 यूनिट बन के निकले ये, और 100 यूनिट बन के निकले। और यहां से यहां तक खर्चा पता है किस किस का, इस लेवर का वेजेस, और ये जो प्लास्टिक है परचेज, और क्या क्या खर्चा हो सकता है, और यहां पे बड़े सारे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी ये सारे जितने ये वाले खर्चे हैं, फैक्ट्री के खर्चे यहां लग गए, ये लग गए, ये लग गए, एडमिन का लग गया, सबको लगाने के बाद 100 यूनिट के पीछे मेरा 10,000 रुपये का खर्चा आया, रुपीज के टर्म्स में। तो आपसे मैं सिंपली कहता हूं कि जो प्रोडक्शन हुआ वो कितने यूनिट हुआ, तो आपका जवाब है सर आपने ना 100 यूनिट बनाए हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि अच्छा 100 यूनिट मैंने बना लिए हैं तो आप मुझे बताइए मेरा खर्चा कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 10,000 रुपये का खर्चा हुआ। लगे हाथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि जो हमारा 10,000 रुपये का खर्चा हुआ और ये 100 यूनिट बनाने पे हुआ, तो आप मुझे बताइए कि टोटल आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। तो सिंपल पर यूनिट कॉस्ट मेरा 100 रुपये। अब मैं 100 100, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 100 100 में दिमाग घूम जाएगा आपका और 100 ना जाओ कहीं बस आप, तो इसलिए मैं इसको 1000 कर देता हूं, ठीक है 1000। और 1000 करने के बाद इसको डिवाइड किया तो 10 रुपये, 10 रुपये क्या आया, 1 यूनिट का खर्चा। कितने टोटल खर्चा आया, 1000। कितने यूनिट बना के तैयार करें, 100। तो आपको 100 यूनिट बनाया, बनाने को पता है क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करना। और इस 100 जो बनाया आपने, 100 यूनिट जो प्रोडक्शन किया, उसका कॉस्ट कितना है, 1000। तो इसको बोल दिया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझे बात आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने अगर 100 यूनिट बनाया है तो 100 के 100 सोल्ड कर दिए होंगे, पॉसिबल है, या बच भी गया होगा, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 यूनिट खर्च हो जाए, ये भी पॉसिबल है हमारा कि यहां पे अगर 100 यूनिट बनाया जाए तो कुछ यूनिट हमारे बच जाए। सपोज करिए 100 यूनिट में से मैं 80 ही यूनिट बेचने में कामयाब हो पाया तो 20 बच गए ना। और एक बात बड़े ईमानदारी से और बड़े मन से आप सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा भी कि अगर ये 100 यूनिट जो बने हैं, जो मैं 100 यूनिट बोल रहा हूं बार बार यहां से बन के तैयार हुआ, इसको हम क्या फिनिश नहीं बोल सकते, फिनिश गुड्स का है ये, मतलब बस रेडी टू यूज है, रेडी टू बिकने के लिए है ये, कि आपका पूरा बन के तैयार है। और अब जो 20 यूनिट आपके बचे हैं 100 में से, अगर आप बोलते हो सर बिल्कुल आपकी बात एकदम जायज है कि आपके जो ये 100 यूनिट आपने बनाए थे ये रेडी यूज है, सारा डालने के बाद यहां से निकला था, तो इसका मतलब जब हमारा स्टॉक बचेगा 100 में से, अगर 80 बिक गए और 20 बच गए तो वो फिनिश गुड्स होगा ना। तो जो ये 20 बचा ये क्या बचेगा, एफ जी, फिनिश गुड्स का स्टॉक। मैंने आपको क्वेश्चन में पता ही क्या दिया, मेरे 20 यूनिट बच गए हैं, मेरे 20 यूनिट बच गए हैं, सिर्फ मैंने क्वेश्चन में ये दिया।
अब क्या आप बता सकते हैं 20 यूनिट का कॉस्ट क्या होगा, कितने रुपए का 20 यूनिट बचा होगा? आप जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, मैं आपका वेट करूंगा। आप बताइए 20 यूनिट जो बच गया है वो 20 यूनिट कितने रुपए का बचा होगा, जवाब दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। जवाब दीजिए, जवाब आ गया 20 यूनिट बचे हैं रूपा का 200 रुपए। और किसी का जो हमारे यूट्यूब पे हमारी फैमिली है उसके बारे में देख लेते हैं, भाई यूट्यूब पे देख तो रहे हो, आप भी जवाब दो फटाफट से। 200 यूनिट, ठीक है 200 यूनिट करेक्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर ना यही बच्चों को परेशान करता है, हमेशा क्लोजिंग यूनिट, यानी आप सबने 200 यूनिट बताया, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट जवाब दिया है सर, 200 यूनिट बचे हैं। और 200 पता है निकाला कैसे आपने, मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये समझाने में कामयाब हुआ और आप समझ भी पाए कि 20 यूनिट, एक यूनिट आपको पता है कि 10 रुपए का, 20 यूनिट बचे तो सिंपल आपने 10 से मल्टीप्लाई करके बता दिया सर 200 रुपए का तो बचा हुआ है यूनिट, आपने सिंपली बता दिया मुझे। अब जब आपको यह पता चल गया, यानी अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सिंपल सा मुझे जवाब देना और कमेंट में जरूर जवाब देना, उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ आए तो जरूर देंगे। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दे दे कि इतने बच गए हैं और आपको उसका अमाउंट ना दे और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दे और उसके यूनिट दे दे, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकते हैं या नहीं? मैं सिंपल सा यहां लिख देता हूं। अगर मैं बताऊं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीपी लिख रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको दे दूं 1000 रुपए और यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किया है वो दे दूं मैं 500 और मैं बोल दूं कि क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो भी एफजी का और वो एफजी का यूनिट बचा हुआ है क्लोजिंग, अब कहां का है ये नहीं बता रहा मैं इसमें से, नहीं ये नहीं बताऊंगा मैं, तो बचा हुआ है वो मात्र मान लेते हैं 100 यूनिट बचा हुआ है, मात्र क्या बहुत ज्यादा हो गया। तो आप बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो अमाउंट पता है तो आप कैसे निकालेंगे, क्या यहां पॉसिबल है? अगर आपको प्रोडक्शन का कॉस्ट पता है, प्रोडक्शन का यूनिट पता है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट पता है लेकिन उसका अमाउंट नहीं पता, तो क्या पॉसिबल है आप फाइंड कर पाएंगे? देखते हैं कितने बच्चे फाइंड कर पाते हैं, क्या पॉसिबल है? रिंकी ने भी जवाब दिया है, रूपा ने भी बोला है यस पॉसिबल है। एक बार फटाफट से जवाब में जब दे ही रहे हो तो एक बार जवाब दे दें, पॉसिबल है तो अमाउंट कितना आएगा? मैं निकालता हूं, मेरा मन कर रहा है निकालने का, बड़ा ही आसान है, मेरा मन कर रहा है। कैसे निकालेंगे? देखो कितना सिंपल है, मैं एक काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं कि भाई यहां पे एक यूनिट का कितना खर्चा है, उसी में से बचा होगा, हर बार ये अजम्पशन होता है, तो एक यूनिट का बनाने का खर्चा आया होगा 500 के हिसाब से 2 रुपए और बचे मेरे 100 यूनिट है, तो क्लोजिंग आप बताओगे 100 मल्टीप्लाई 2 2 यानी 200 रुपए। अरे व्हाट अ कॉन्सिडेंस, पिछले बार का भी 200 इस बार का भी 200, सभी बच्चे 200 बता रहे हैं, मुझे लगा कि पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, इसका भी आंसर क्या है 200, यानी ये बात समझ में आ गई। और एग्जामिनर यहीं पे आपसे चालाकी करेगा और अब मैं करने नहीं दूंगा एग्जामिनर को चालाकी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना सीख गए आप, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब आगे आते हैं इसी चर्चा पे हम, फिर तो आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि सबको थोड़ा समझ में तो आ रहा है। इसके बाद हम इसमें से कुछ प्लस करते हैं कुछ माइनस, पता है क्या प्लस माइनस करते हैं? अभी मैं लिख भी देता हूं, और प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको भी समझते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ लेते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरे पास, ओपनिंग में, स्टार्टिंग में मेरे पास एफजी, क्योंकि पिछले साल जो बचा होगा क्लोजिंग, इस बार ओपनिंग होगा, 10 यूनिट है और मैंने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया 100 यूनिट,
तो टोटल मेरे पास कितने हो गए मेरे दुकान में, 110। मैंने बोला 30 यूनिट ना बच गए हैं, मैंने बोला 30 यूनिट बच गए हैं, तो क्लोजिंग क्लोजिंग यूनिट, क्लोजिंग एफजी, 30 यूनिट बच गए हैं तो भाई हमने बेचा कितना है, तो बेचा है हमने कितना, हमने बेचा है 80 यूनिट हमने सोल्ड किया है। ये बात समझ में है, 80 यूनिट सोल्ड किया है, यानी प्रोडक्शन में ओपनिंग प्लस कर दो और क्लोजिंग माइनस कर दो तो आपको क्या पता चलता है आपने कितने यूनिट को सोल्ड किया है। सोल्ड समझ में है। अब इसकी कॉस्ट कितनी है वो बतानी है आपने, इसकी कॉस्ट कितनी है वो बतानी है। इसका ओपनिंग स्टॉक का जो था टोटल रुपीज के टर्म्स में वो था 2000 रुपए, और जो आपने प्रोडक्शन, ये डिवाइड से ऐसा लग रहा है मुझे ना, इसको थोड़ा नीचे लिख के 110 कर देते हैं, डिवाइड नहीं है ध्यान रखिएगा। और जो प्रोडक्शन किया है वो 5 रुपए के हिसाब से, 5 तो कम हो जाएगा, मान लेते हैं 50 रुपए के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ, तो इसका खर्चा आया मेरा कितने का, हाँ, 5000 रुपए। तो टोटल आपके जो थे गोडाउन में स्टॉक था, आपके दुकान में स्टॉक था या है, वो 7000 रुपए का है कि नहीं, जिसमें से 30 यूनिट बच गए, 30 यूनिट बच गए। तो सबसे पहले आप यहां पे 30 यूनिट का अगर खर्चा माइनस कर देना तो आपको पता चल जाएगा आपने जो 80 यूनिट बेचे हैं वो कितने रुपए का बिका है। तो इस 7000 में से मैं चाहता हूं इस 30 यूनिट जो क्लोजिंग वाला बचा है ना, इसका अमाउंट मैं दूंगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो इस 30 वाले का जो है वो कितना होगा, सिंपली अभी निकाला था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का रेट होता है वही हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एफजी का भी रेट होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है सर 50 से मल्टीप्लाई करिए ना इसे, और 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1500 रुपये माइनस करिए और ये 5500 रुपये, यानी कहना चाहते हो कि 80 यूनिट सर आपने बेच दिए हैं और जिसकी लागत, जिसकी कॉस्ट आपको लगी है 5500, तो सोल्ड ये है, कॉस्ट ये है, तो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके राहुल अभी कह रहा है ड्यू टू नेटवर्क इशू ज्वाइन नाउ, नॉट इशू राहुल, आपको ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे मिलेगी, उसकी चिंता ना करें। यहां तक बताइए आपको इसमें मजा आया कि नहीं आया, आपको समझ आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए, हम आगे चले, मजा आना जरूरी है, समझ आए तो हाँ, ना आए तो ना, क्लियर, यस यस यस, बिल्कुल समझ में आ गया। यानी मैं अब यहां लिखना चाहता हूं कि सर ये जो इसकी और इसकी दूरी जो है ना, वो प्लस करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक और माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट तो लिख लिया, रट्टा नहीं मारना, फॉर्मेट लिख लिया हम, जब तक बिल्कुल बेस स्ट्रांग नहीं होता ना आगे नहीं जाने वाले हम, इस चीज को ध्यान रखना। तो यानी यहां पे ओपनिंग क्या करते हो, प्लस, और क्लोजिंग माइनस, फॉर्मेट में यही लिखवाया था, और यहां पे भी देखो बायोलॉजिकली ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए, ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, लेकिन चालाकी एग्जामिनर की क्या होगी, क्लोजिंग का पर यूनिट रेट देगा क्या आपको, एग्जामिनर की चालाकी यही दिखेगी, क्लोजिंग का पर यूनिट रेट देगा आपको या नहीं देगा। कुछ क्वेश्चंस में दे सकता है लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं देगा। तो सर इसका रेट ना दे तो हमें अब समझ में आ गया, जो रेट यहां से निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, वही रेट से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और रही बात ओपनिंग की, तो ओपनिंग का तो बड़े इजीली रेट मिलेगा मुझे, ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो इसका रेट हमें गिवन होगा ऑलवेज सर, अगर नहीं दिया तो प्रोडक्शन वाले रेट से इसको भी कर दीजिए आप। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर से कुछ चीजों को आपको प्लस करना है, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ
सेल्स क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सर कॉस्ट ऑफ सेल्स और इसके बीच का जो फासला है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन जो है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यानी जितने का सामान बेचा उसकी कॉस्ट तो ये है, इसमें सेलिंग का खर्चा आप और ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गया तो आप अगले हेडिंग के साइड बढ़ सकते हैं। और मैंने बताया सामान को, मान लेते हैं कि ये 5500 का आपका सामान बिक रहा है, इसमें सेल्समैन को आपने 500 रुपए दे दिए, तो आपको 6000 रुपए का टोटल सामान पड़ गया बिकने के लायक। और इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस 6000 वाले सामान को अगर मैंने बेच दिया यानी सेल्स कर दिया, कितने का सेल्स कर दिया, अगर सपोज करो 7000 का सेल्स कर दिया, तो बता सकते हो प्रॉफिट कितने का आएगा, तो बता सकते हो प्रॉफिट कितने का आएगा, प्रॉफिट बताइए कितने का आएगा, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। 1000, बिल्कुल करेक्ट। आफशीन का जवाब 1000, बिल्कुल करेक्ट। विनोद कुमार 1000, बिल्कुल करेक्ट। तो अल्टीमेटली कॉस्ट शीट क्या है, इसके आगे अब इसकी सच्चाई बता दें, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। सर कॉस्टिंग और इसमें फर्क क्या है, कुछ खर्चे इसके अंदर नहीं जोड़े जाते जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, हायर परचेस चार्जेस। कितने खर्चे हैं लिस्ट मैंने दे रखा है ऑलरेडी, आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं और उसे नोट करिए। और मैं किसी दिन जब मैं वर्चुअल लाइफ क्लास में आऊंगा ना, तो जिसमें मैं दिखूंगा और आपको साइड में नोट्स भी दिखेगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा। पहले मैं बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर? ओके सर, यहां तक एकदम से क्लियर हो गया हमें। यानी हेडिंग को अगर मैं गिनती दे देता हूं, एक, ओहो ये तो है ही नहीं, दो, तीन, चार, पांच, छ, और सातवां तो सेल्स है। इसके बीच का डिफरेंस जो भी आएगा ना, वो क्या होगा पता है, वो होगा प्रॉफिट। ये होगा प्रॉफिट। और इसके हेडिंग का अगर मैं बात करूं, सिंपली मैं सोच रहा था वही कुछ आपको शॉर्टकट बता दूं, तो देखो पी प्राइम कॉस्ट, जी ग्रॉस, एन सी सी सी। आपको पता है एनसीसी क्या होता है, ये दो ही होता है, एक और लग गया, एन सी सी और एस, ये हमारा हेडिंग है। पीजी ग्रेजुएशन में तो हो ना, आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना ही है आपने, तो वो पीजी बोलते हैं उसे। एनसीसी जो डिफेंस में जाते हैं, एनसीसी, और एक लास्ट में एस सेल। सेल्स तो वैसे भी याद नहीं करना। पी फोर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। जी फोर क्या होगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एन फोर क्या होगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सी फोर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में सेल्स। ये आप एक बार देखोगे तो आपको हेडिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, हेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीजें अगर मान लेते हैं WIP ना दे, तो हमारा ग्रॉस नहीं बनेगा, ये सीधा नेट बन जाएगा, ये सीधा नेट बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट करेंगे आप सभी, इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझ रहा कि अभी इसे नोट करना चाहिए। मैं रिकॉर्डेड वीडियो एप्लीकेशन के अंदर आएगी, शिक्षा धाम एप्लीकेशन के अंदर, प्ले स्टोर से जो बच्चे ने डाउनलोड और जो कोर्स के अंदर है उनको मिलेगा रिपीटेड क्लास। और अभी शायद विजुअल में दिक्कत है, वॉइस में दिक्कत है, लेकिन मैं दो जगह वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है। और एकदम हाई क्वालिटी 1080p पे, जिसके अंदर एकदम क्लियर एंड बहुत ही साफ और वॉइस भी बहुत क्लियर आपको मिलने वाली है रिकॉर्डेड के अंदर, जो आप बार बार देखें, जितनी बार मन करे उतनी बार देखें, देखने की चीज है, देखते रहें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इतनी सारी बातें करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ना हो तो फिर मजा ना आए।
वैसे मेरा मन तो कर रहा था मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी क्रॉस पूछूं यहां पे, लेकिन अभी सोचते हैं पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक। इस पॉइंट्स में हमने क्या सीखा कि सर अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एक और चीज जो आप लिख लेना, रेड मार्कर, बच्चे बहुत भूलते हैं, सेल्स यूनिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या मैं सिंपल लिखता हूं यहां पे सेल्स यूनिट, ये यूनिट में चलेगा। लेकिन मैं बहुत बच्चों को ऑफलाइन जो सुबह सुबह आते हैं उनको भी बताया है ये यूनिट में चलेगा, फिर वो रुपीस में ले लेते हैं। सेल्स पता है क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस्ट, या मैं सिंपल इसको लिखूं और प्रोडक्शन यूनिट, यूनिट इसमें क्या प्लस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। आपको एग्जामिनर मान लो ये दे दे और ये दे दे और ये दे दे, तो प्रोडक्शन यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। कई बार प्रोडक्शन का कॉस्ट तो पता होगा लेकिन प्रोडक्शन का यूनिट नहीं पता होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करना है, आप सभी के पास बुक है और आपका सबसे फेवरेट बुक और डीयू वालों का भी सबसे फेवरेट बुक को ही बेस मान के हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन कौन सा करें एक बार देखते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिले हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके बुक का, और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2 ही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है। और जिसके पास बुक नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कोर्स जो परचेज किया है उसके अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करने जाते हैं हम, और करने से पहले सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है पहले अपनी तैयारी, युद्ध से पहले तैयारी जरूरी है। ठीक है, पर्टिकुलर कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, ओके कॉस्ट शीट। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है रॉ मटेरियल परचेज है, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड पता है क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री नेट फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट, तो वर्क ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को ही बोलते हैं। आप साथ के साथ जिसके पास बुक है वो लिखते जाएंगे। इसके बाद कहता है रॉ मटेरियल ओपनिंग में दे रखा है आपको, ये स्टॉक है, फिनिश गुड्स का भी दे रखा है आपको, क्विंटल में दे रखा है 800 क्विंटल, और ये आपका ओपनिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपको दोनों, ऑफिस एडमिन दे रखा है, सेल्स दे रखा है, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड टू द सेलिंग कॉस्ट 40.4 पर क्विंटल, जितने भी यूनिट बेचोगे उसका पर क्विंटल लगेगा। ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल कॉमोडिटी, कॉमोडिटी क्या होता है, हमारा जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसको कॉमोडिटी की हम बोलते हैं, पड़ा हुआ है, द कॉमोडिटी वर प्रोड्यूस, आपने क्या करा, सॉरी ड्यूरिंग द मंथ आपने 12,800 कॉमोडिटी प्रोड्यूस किया है, और इसके अंदर आपको निकालना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शीट फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, और ये है 24,000। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक है ओपनिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का,
और ये है हमारा 4000। क्लोजिंग है नहीं तो बाहर ही लिख देते हैं, क्लोजिंग होता तो अंदर लिख देते हैं। इसके बाद और कुछ है ही नहीं। पहला हेडिंग जनरेट, बताइए फटाफट से पहला हेडिंग जो आएगा वो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद मैं यहां लिखना चाहता हूं, बताइए क्या लिखूं मैं यहां से, ये कौन सा कॉस्ट आया है बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, ये कौन सा कॉस्ट आया है जल्दी बताइए। प्राइम कॉस्ट, वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट। चलिए आपने बोला और मैंने लिख दिया प्राइम कॉस्ट। ओहो प्राइम कॉस्ट, कितने आगे, 24 और 4, 28,000। इसके बाद यहां पे हम कुछ खर्चे और लिखेंगे जिसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन ओवरहेड इसको वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। वर्क ओवरहेड जो कि है 20,000, यानी जो चीजें हम अलग अलग करके बताते थे इसमें ये आएगा ये आएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट दे रहा है तो क्या दिक्कत है। अगली हेडिंग जनरेट करना चाहते हैं, यहां पे डब्ल्यू आई पी है या नहीं है, डब्ल्यू आई पी है तो अगली हेडिंग क्या आएगा, ग्रॉस या नेट बताइए। अगली हेडिंग क्या आएगा, ग्रॉस आएगा या नेट आएगा, अगली हेडिंग ग्रॉस आना है या नेट आना है बताइए फटाफट। ग्रॉस आएगा, शाहिद का जवाब ग्रॉस आएगा, विनोद का ग्रॉस आएगा। भाई एप्लीकेशन वाले बच्चे लगता है सो गए या वीडियो रुक गई है, ओहो शायद एप्लीकेशन पे दिक्कत आ गई है। ग्रॉस फैक्ट्री का, नहीं नहीं चल रहा है चल रहा है। चलिए सर ग्रॉस, हम आप, मैं नहीं बता रहा ये आप कर रहे हो, देखो क्वेश्चन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने का आएगा, 20,48। अब इसके बाद इसके अंदर हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, और प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, डब्ल्यू आई पी क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग। यहां पे आपको इसके अंदर क्वेश्चन में 3200 यूनिट और 1600 यूनिट देता है, तो 3200 यूनिट, यूनिट कह दिया मैंने बाय मिस्टेक 3200, या तो आप यहां माइनस करके डायरेक्ट दिखाइए या यहां पे दिखा दीजिए आप 3200 ओपनिंग, नहीं 960 है ओपनिंग, 960 मेरे क्वेश्चन में, और 3200। एक चीज और मैं कुछ बच्चों को बता दूं, मे भी हो सकता है टाइपिंग एरर हो, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ना है, बुक में होगा आपके, तो वो कॉन्सेप्ट आपको देखना है बस, हमारे पास जो असाइनमेंट है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। इसके बाद तो एक और हेडिंग जनरेट करना पड़ेगा हमें, ओहो एक और हेडिंग जनरेट करना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, नाम होगा, नाम मैं तो भूल गया नाम, जल्दी बताइए नाम, अगले हेडिंग का नाम नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, नेट फैक्ट्री, इसका दूसरा नाम भी बताया था, बताओ क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी बताया था बताइए क्या बोलते हैं फटाफट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट को एक और नाम से जानते हैं, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए, क्लास लंबी हो जाए लेकिन एग्जाम के अंदर जब बैठे एग्जाम में तो बाहर निकल के ऐसा हो कि मुझे एक बार जरूर थैंक यू बोलें कि पेपर में मजा आ गया आज। 45,760 ठीक है, 45,760। आगे देखते हैं और क्वेश्चन में क्या देता है, कहता है फिनिश गुड्स ना आपका ओपनिंग है क्विंटल में, तो फिनिश से पहले तो इसके बाद हमारा जो खर्चा आता है वो आता है हमारा एडमिन, इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है एडमिन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ही लिखना है,
एडमिन एक्सपेंस, क्वेश्चन में ढूंढते हैं क्या एडमिन एक्सपेंस है। बिल्कुल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1600 रुपए, यहां पे लिखा हमने 1600 रुपए, और 1600 रुपए लिखने के बाद नई हेडिंग, और फिर से आपके सामने चैलेंज, नई हेडिंग, फिर मुझे याद नहीं आ रहा हेडिंग नई वाली, न्यू हेडिंग, बताइए फटाफट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल करेक्ट जवाब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी इतनी बातें करी थी हमने इसी के बारे में। तो 45, मेरा कैलकुलेटर 45,760 और प्लस 1600, 47,360, 47,360, 47,360, दो दो मार्कर हो गए हाथ में। इसके बाद हम इसके अंदर प्लस करते हैं ओपनिंग एफ जी, और माइनस करते हैं क्लोजिंग एफ जी अगर हो तो। कहता है ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3200 का है, 800 क्विंटल है, यूनिट दे दिया इसका 800, और इसका देखो रेट भी बता दिया 3200, लेकिन क्लोजिंग के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, क्लोजिंग नहीं बताया तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्लोजिंग वाक्य में है भी या नहीं है। क्वेश्चन है लास्ट में क्या कहा था, हमने 1200 जो प्रोडक्शन किया है वो 12800 यूनिट प्रोडक्शन किया है। ओके, 12800, और हमारे पास स्टार्टिंग में पता है कितना था, स्टार्टिंग में मेरे पास 800 क्विंटल था। क्लोजिंग स्टॉक है क्या क्वेश्चन में, सेल्स जो है ना आपको वो 60,000 दे देता है, लेकिन ये नहीं बताता क्वेश्चन में कि सेल्स कितने यूनिट है, ये नहीं बताया। तो भाई सेल्स तो पता ही नहीं है, नहीं तो मैं क्लोजिंग निकाल लेता। अगर मैं आपको ये बोल देता भाई ये 50,000 है, तो आप फटाफट इसको माइनस करके ये निकाल लेते, ये पता ही नहीं है। इसका मतलब क्लोजिंग जब सेल्स का यूनिट ना देना, तो आपको अजम्पशन लेना है कि सब बेच मारा, सब बेच दिया आपने, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब आपने कितने यूनिट बेचे, 12,13,600 यूनिट थे आपके पास, सब बेच दिया आपने। वो मैं समझाने के लिए अभी देखो काम आएगा। अगली हेडिंग, किसी ने पहले बताया मुझे अगली हेडिंग, अगली हेडिंग महिमा, और भी बच्चे बताइए अगली हेडिंग। अगली हेडिंग बताइए, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट जवाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3200 प्लस करते हैं इसमें, 3200 प्लस करते हैं, 50,560, ओके डन। अब इसके आगे और चलते हैं, एग्जामिनर की चालाकी तो देखो, कहता क्या है कि भाई एडवर्टीजमेंट और डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट, यानी एग्जामिनर बताना चाहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एग्जामिनर बताना चाहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 40 पैसे पर क्विंटल। अब 40 पैसे पर क्विंटल तो किसका, जितना आपने बेचा है, तो आपको पता चला आपने कितने बेचे हैं, बिल्कुल यही तो मैंने निकलवाया था अभी, ये सारा का सारा बेच दिया। तो इसका मतलब 13,600 मल्टीप्लाई 0.4 ये खर्चा होगा, 13,600 इंटू में 0.4 5,440, 5,440, 5,440, 5,440 रुपीज का। नाउ अब इसको भी प्लस करेंगे, और अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग आपसे पूछ रहा हूं क्या होगा, लास्ट हेडिंग बताइए, लास्ट हेडिंग बताइए, लास्ट हेडिंग पूछा जा रहा है आपसे, लास्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग, किसी का जवाब आया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स रूपा का, और कोई बच्चा, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ सेल्स, शाहिद का कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी बच्चों को समझ में आ रहा है। बाकी जो बच्चे हैं यूट्यूब पे वो भी जवाब दें, कोशिश करें, जरूर जवाब देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 50, 560, 56,000 रुपये। कई बार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बता देना फटाफट से, भूल जाता हूं मैं कई बार, और हो जाती है, इंसान से गलती होती है। दिख रहा है? थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा या कैमरे को जूम आउट कर देते हैं? ठीक है, चलिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, सेल्स बोलता है आपका 60,000 है, तो आपको सेल्स दे दे तो आपका जो बीच का डिफरेंस होगा वो हरी झंडी ग्रीन मार्कर से प्रॉफिट कितने का? 4,000। प्रॉफिट कितने का? 4,000। और बुक में आंसर भी आपके क्या है? 4,000। मैच हो गया, ये टनाटन मैच हो गया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो फटाफट। अब मैं आपके डाउट लेने के लिए बैठ जाता हूं। किसी का डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है वो। रूपा नो, महिमा का पहले ही आंसर आ गया 4,000, गुड। प्रॉफिट पहले ही दे दिया विनोद कुमार ने। और किसी का कोई डाउट? नो, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट करिए अच्छे से, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके बुक का था, नोट करिए इसको। अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, और क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सिर्फ नेक्स्ट। आयशा का भी जवाब आया है 4,000। शाहिद का कोई भी डाउट नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आप इसको नोट करिए फटाफट, नोट करते रहिए और अच्छे से मन लगा के नोट करिए इसको। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी माइक में, आज तो माइक के वॉइस क्लियर थे, डन। अच्छा, बच्चों ने नोट भी कर लिया, बहुत तेज हो गए आजकल के बच्चे तो, टेक्नोलॉजी से आगे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कई बार डाउट होता है, कुछ चीजें क्लियर कर दूं। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि सर जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कहाँ जाएगा, और उसके बाद कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम इसको कैसे देखेंगे। ओके, मेमोरी कार्ड फुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको किस तरीके से वॉच करेंगे, आगे टू बी कंटिन्यू कैसे देखेंगे? तो देखो, कुछ दिनों तक आपके लाइव वाले जो है ना, जहां पे अभी देख रहे हो वहां पे दिखेगा। वहां से हटने का मतलब है कि ये आपके कोर्स के कंटेंट में जा चुका है और फिल्टर होके, यानी क्वालिटी, जैसे अभी डाउट वगैरह पूछते रहते हैं किसी का, आप बताइए, उन सब चीजों को फिल्टर करके मैं वहां डालता हूं, ताकि जब बच्चा रिवाइज करे तो अननेसेसरी चीजों को नहीं, सिर्फ उसका दिमाग क्या हो रिविजन पे, और फटाफट 1x और 2x के स्पीड पे करके कर सकता है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास में सैटरडे को। और सैटरडे मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ मैं क्वेश्चन करूंगा, और ज्यादा क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और आपको अगली क्लास तक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, गारंटेड। गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब कैमरे को सबसे पहले बंद कर दिया जाए।